ब्रेकिंग में बड़ी खबर, पाकिस्तान को चीन ने दिया झटका। पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां। जी हाँ दोस्तों, चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। चाइना ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और अपने लोगों को कहा है पाकिस्तान का सफर ना करें। लोग ये कहेंगे कि अगर आपका शहर से मीठी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती ही अगर ये कह रही है कि वहाँ पे ना जाओ तो और कौन आएगा। पाकिस्तान में चीनी दूतावास के काउंसलर विभाग को बंद किया गया है, आतंकियों से मिल रही धमकी को देखते हुए बंद किया गया है। डॉक्टर जयशंकर कैसे पहुंचेंगे वहाँ पर अगर चाइना ने जो सबसे ज्यादा आपके करीब है उसी के ऊपर, तो वो कहेंगे कि भाई हम तो हैं दुश्मन। यानी कि ये मुल्क जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास नहीं कर सकता, सो लिहाजा लोगों को ना भेजें। शंघाई कॉन्फ्रेंस में 6 दिन रह गए, खित्ते के जितने ममालिक हैं उनकी क्यादत आपको पता है इस्लामाबाद आने को है। ये कोई चाइना पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, चाइना पाकिस्तान का दोस्त है। अब हो ये रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चाइनीज जो है उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा समझाया, बड़ी कोशिश की है, बड़ा एंगेज करने की बात की है, लेकिन समहाउ हालात ऐसे पैदा हुए हैं कि पाकिस्तान से चीजें मैनेज नहीं। और हमारे लिए पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाने का ये एक बड़ा कीमती बड़ा नादिर मौका है। हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम सरमायाकारी के लिए महफूज और जमहूरी इकदार रखने वाला मुल्क है। यही सिचुएशन रही, जैसे अगर आज चाइना जो कि हमारा आयरन फ्रेंड है, बहुत मजबूत फ्रेंड है, उनके शहरी यहाँ पे मजबूत नहीं है, कल को इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आते हैं, कोई दूसरे कंट्री के कोई डेलीगेशन यहाँ पे आता है, तो वो खुद को कैसे महफूज फील कर। दोस्तों मोमन, हम सुनते थे कि जो वेस्टर्न ममालिक हैं वो पाकिस्तान के बारे में ट्रैवल एडवाइजरीज जारी करते हैं, वहाँ ना जाया करें, वहाँ हालात ख़राब हैं। एक चीज़ अमूमन इंटरनेशनल ममालिक हैं वहाँ से देखने को मिला जब भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, लेकिन आज की जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो ये है कि दोस्तों चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। चाइना ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और अपने लोगों को कहा है पाकिस्तान का सफ़र ना करें। ये कोई चाइना पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, चाइना पाकिस्तान का दोस्त है। अब हो ये रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चाइनीज जो है उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा समझाया है, बड़ी कोशिश की है, बड़ा इंगेज करने की बात की है, लेकिन समहाउ हालात ऐसे पैदा हुए हैं कि पाकिस्तान से चीज़ें मैनेज नहीं हुई। जब पाकिस्तान से चीज़ें मैनेज नहीं हुई तो उन्होंने कहा ठीक है आप फिर जो कर रहे हैं करें, हम जो है वो आपको स्पेयर नहीं करेंगे। और उसमें उन्होंने चाइनीज को कहा आप पाकिस्तान ना जाएं इस ट्रैवल एडवाइजरी में। तो मुझे ये बताएं कि ये काम अगर इंडिया करता, इंडिया के हवाले से चाइनीज करते तो फिर भी समझ आती थी, चाइना इंडिया के हवाले से करता तो फिर भी समझ आती थी। अभी हालात ये पैदा हो गए हैं कि अगर दो चाइनीज के ऊपर कराची में हमला हो गया तो पाकिस्तान के वजीर आजम साहब को चाइनीज एम्बेसी में जाना पड़ता है और जाके वहाँ पर कंडोलेंसेस करनी पड़ती हैं और वहाँ पर मैसेज लिखना पड़ता है। और मैं देख रहा था वहाँ पर और भी पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की हैं, वो जाती हैं वहाँ पर जाके अफसोस करती हैं चाइनीज एम्बेसडर से, और वो समझते हैं ये इन्होंने तरीका बना लिया है कि जब भी हमारे चाइनीज पर हमला होता है ये आते हैं आके कंडोलेंसेस किए, बड़ा अफसोस हुआ है, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, एंड देन वो एक रवायत बन जाती है। अब आपको पता है कि अगले हफ्ते जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और ये जो डेड बॉडीज का तोहफा चाइनीज को दिया गया है दहशतगर्द जमातों ने जो दिया है इस पे बेसिकली, तो वो पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं कि भाईजान तुहाडा कसूर है, आपने ये सारा कुछ हुआ है, आपसे ये सारा कुछ हुआ है, तो हुण दसो तुसी की करना। यानी कि ये मुल्क जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास नहीं कर सकता, सो लिहाजा लोगों को ना भेजें। अब क्वेश्चन यह है कि पाकिस्तान का ये जो इंटेलिजेंस फेलियर है या जो सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं वो उनके अंदर कोई ऐसे लोग हैं शायद जो हमेशा चाइनीज़ की मूवमेंट या फॉरेनर्स की मूवमेंट की खबरें दे देते हैं, ये कौन लोग हो सकते हैं, ये क्या हो सकता है, ये जारी बात है सवाल तो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें जारी बात है ये अब वो चाइनीज़ को जो तोहफे दिए गए हैं डेड बॉडीज़ को, वो बड़े गुस्से में है और बड़े परेशान है कि हम कैसे इंगेज करें पाकिस्तान के साथ, ताल्लुकात ख़राब भी नहीं कर सकते, ठीक भी नहीं रख सकते, क्या करें और क्या ना करें, इन्वेस्टमेंट भी अगर करें। अभी बेसिकली हो ये रहा है कि चाइनीज़ जो है उनके ऊपर ये प्रेशर है, प्रेशर ये है कि पाइन तुसी जो है ना तुहाडे बंदे पाकिस्तान में मारे जाते हैं और आप बोलते नहीं हैं, क्या चाइना के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है तो क्या लोगों की वैल्यू नहीं है? जो डेमोक्रेटिक सेटअप में लोग अगर फॉर एग्जांपल ऐसे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज जिनके लोग पाकिस्तान में अगर कोई मारे जाएं किसी दहशतगर्दी के वाकयात में तो वो पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम दे। चाइना ने अपने शहरियों को कहा है होशियार होशियार होशियार, पाकिस्तान की तरफ सफर मत कीजिए, आपकी जान को खतरा हो सकता है। चाइना पाकिस्तान का सबसे क्लोजेस्ट अलाय है, जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहा जाता है।
पहाड़ों की एग्जाम्पल दी जाती है कि उनसे ऊंची दोस्ती है, समुद्रों की गहराई की एग्जाम्पल दी जाती है, शहद की मिठास की बात की जाती है, लेकिन अब उस दोस्त ने भी लगता है कि हमारी हरकतों की वजह से अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने अपने शहरियों को कहा है कि पाकिस्तान जाने से इज्तनाब करें। अब चाइना और पाकिस्तान के रिलेशनशिप पर तो इसके असरात पड़ेंगे ही, लेकिन जो दुनिया के ऐसे दूसरे मुल्क हैं जिनके साथ हमारे रिलेशनशिप सर्द गर्म रहते हैं, सोचिए वो ये कहेंगे कि अब अगर इतनी गहरी दोस्ती वाला मुल्क चाइना ये एडवाइजरी जारी कर सकता है तो हम क्यों नहीं। अब इसकी रेमिफिकेशंस ये हैं कि वो मुल्क भी ऐसी एडवाइजरीज जारी कर सकते हैं। पाकिस्तान जो पहले ही ग्लोबल फ्रंट पर तन्हाई का तकरीबन शिकार है, जहां पर पिछले 2-2.5 सालों में कोई लार्जर पार की किसी किस्म की इंगेजमेंट आपको दिखाई नहीं देती, इवन मोहम्मद बिन सलमान जिनका दौरा तय था उन्होंने कैंसिल कर दिया, हिंदुस्तान चले गए, यूएई की तरफ से कोई दौरा नहीं, किसी और बड़े इफेक्टिव मुल्क की तरफ से कोई दौरा नहीं, अभी चाइना की तरफ से भी उनके प्राइम मिनिस्टर शंघाई तंजीम में आ रहे हैं और चाइना की जो हायरार्की है उसमें उनके सदर हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट, फिर उनके वजीर खारजा हैं और फिर जाके वजीर आजम, बल्कि उनका नंबर शायद फिर भी नहीं आएगा क्योंकि वो सेरेमोनियल पोजीशन है। चाइना ने जब ये कह दिया कि आप जो हैं वो ना करें, खास तौर पर बीजिंग एम्बेसी अर्जेस टू अवॉइड बलोचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंसेस वेयर अटैक्स ऑन चाइनीज वर्कर्स एंड प्रोजेक्ट्स हैव इंक्रीज्ड, ये मॉर्निंग चाइना न्यूज़ में आपको बता रही हूँ, वहाँ पर है, हर जगह पर अरब न्यूज़ में भी खबर आई है, तमाम मीडिया इसको पब्लिश कर रहा है कि चाइना ने अपने लोगों को मना कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल ना करें। मैंने सवाल ये उठाया है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि चाइनीज़ की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान के अंदर काम करती है, चाइना के बहुत बड़े स्टेक्स हैं, कहते हैं कि जी $60 बिलियन कितने का, तो सी पैक जो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ग्वादर से लेकर और बलूचिस्तान KPK इवन पंजाब सिंध हर प्रोविंस में चाइनीज मौजूद हैं, लेकिन बड़े चाइनीज जो हैं वो इन प्रोविंसेस में काम करें, जो मैंने आपको कहा कि चाइना ने जिसके लिए जिस वजह से ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है वो तो हालात अभी बेहतर होने के नज़र नहीं आ रहे, तो वो कब तक अपने सिटीजन्स को रोक सकेंगे। अच्छा अब देखिए होता ये है कि जो स्टेटमेंट है उसमें तो उन्होंने बलूचिस्तान और KP के खास तौर पर कहा है क्योंकि वहाँ पर ये वाले वाकयात ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन इनकी देखा देखी जब ये खबर चलती है ना तो और बहुत सारे जो दुनिया के कंट्रीज़ हैं वो कहते हैं अच्छा उनको ये नहीं पता, ऐसा हो सकता है ना कि वो लोग सोच रहे हो कि वहाँ पे क्योंकि दहशतगर्दी हो रही है तो फिर अपने लोगों को भी, अपने सिटीजन्स को भी मना कर दो, लेकिन वहाँ पर प्लान कर चाइनीज को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले जब BLA के हमले हुए थे तो उन्होंने तो ये कैटेगोरिकली कहा था कि यहाँ पर बलूचिस्तान से चाइनीज निकल जाएं, ये सारा तो वो तो कहकर टारगेट कर रहे हैं चाइनीज को, दूसरे कंट्रीज के सिटीजन के लिए एज सच वो ऐसा नहीं देख रहे और ना ही ऐसा हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली खबर जब चलती है तो फिर तो दूसरे कंट्रीज जो हैं वो भी इसके बारे में, तो ये बड़ी एक अलार्मिंग न्यूज़ है, पहले कोई नहीं जा रहा वहाँ पे तो आप कहाँ से टूरिज्म वो करें। अच्छा टूरिज्म को तो आप छोड़ दीजिए, इसके अंदर जो SEO होने वाली है, SEO का क्या होगा, नेक्स्ट वीक SEO है और उसके अंदर पूरी दुनिया की जो लीडर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो ये इसको रोकने की ज़रूरत है, ये जो हो रहा है ये धमाके और सब कुछ, और ट्रैवल एडवाइजरीज जारी होनी है, लोग ये कहेंगे कि अगर आपका शहर से मीठी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती ही अगर ये कह रही है कि वहाँ पर ना जाओ तो और कौन आएगा, सवाल तो है डॉक्टर जयशंकर कैसे पहुँचेंगे वहाँ पर, अगर चाइना ने जो सबसे ज़्यादा आपके करीब है उसी के ऊपर तो वो कहेंगे कि भाई हम तो हैं दुश्मन, आप तो कहते हैं हम दुश्मन हैं तो फिर हम कैसे आए अगर चाइना ही अपने लोगों को मना कर रहा है, ये सब अपनी जगह पर हैं। अच्छा अब देखिए चलें चाइना तो दोस्त है ना कि जी एक दोस्त है वो कह सकता है, उसके तो जाहिर है लोग मारे जा रहे हैं, उसका तो हक बनता है कि वो ये कहे और वो कह रहा है कि देखो क्या हो रहा है मेरे साथ रोको, लेकिन तालिबान का क्या हक बनता है, तालिबान को क्या हो गया, मतलब अब तालिबान जहां पर खवातीन को एजुकेशन हासिल करने का हक हासिल नहीं है, जहां पर वो लोगों को संसार कर देते हैं, जहां पर वो जो ह्यूमन राइट्स की वायोलेशंस के मेन नंबर वन पर है, वो तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को लेक्चर दे रही है, भाई ये कौन कौन लेक्चर देगा मुझे आप बता दें, इंडिया तो बहुत अच्छा है आपको कभी लेक्चर ही नहीं देता, सिर्फ अपने उसकी बात करता है, अपने मकसद की और काम की, उसको वो होता है दहशतगर्दी, कहता है भाई ये दहशतगर्दी नहीं करो ये हो रहा है, लेकिन विदाउट एनी रीजन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में कौन सा कंट्री बात करता है वो अफगानिस्तान। हालात इस मुल्क के बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन अब देखें ना, हाँ तो हम बेसिकली क्या करते हैं, खबरें बुरी भी होती हैं तो हम उन्हें डाउन प्ले करते हैं, इतना बड़ा वाकया पेश आया परसों, पूरा कराची लरज उठा, मैं कहाँ रहता हूँ, एयरपोर्ट कहाँ है, लेकिन देखें हमने खबर मीडिया से खुद जानबूझ के गायब कर दी मीडिया वालों ने, ताकि इस मुल्क की इज्जत और इसकी साख बरकरार रहे,
लेकिन आप सच बताइए, ये तो हम कोशिश कर रहे हैं ना। देखें, मीडिया तो एक जिम्मेदारी किरदार अदा कर रहा है। कुछ लोग हैं ऐसे, मैं नहीं बोलता, कुछ लोग हैं ऐसे मीडिया के अंदर जो कि रैश हैं, ब्रैश हैं, साइड टेकिंग कर रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मीडिया तो कोशिश कर रहा है डाउन प्ले करे हालात को, ऐसे शो करे जैसे नॉर्मल है। अभी इस्लामाबाद का आपने बताया, मीडिया ने कोशिश की हम भरपूर छुपा दें, इस्लामाबाद में कुछ भी नहीं हुआ, हालात बिल्कुल ठीक रहे, पूरा शहर खुल गया, इंटरनेट भी चल रहा था, बच्चे वीडियो गेम में खेल रहे थे, लेकिन हकीकत का आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं, हम जिम्मेदारी का इजहार करें, लेकिन अब क्या करें। देखिए सर, बात यह है, हर चीज के दो रुख होते हैं, यानी तस्वीर के दो रुख होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, लेकिन बात यह है हकायक हकायक होती है, हकायक भी बयान करने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक खराबी की जड़ है कि ये हो कुछ रहा है लेकिन बताया कुछ जा रहा है। अब अगर आप बताएंगे सही नहीं तो जाहिर बात है कि भाई लोग तो फिर उससे कंफ्यूज होंगे और लोग कहेंगे कि यार सुनने में और देखने में ये आ रहा है और ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं। यही शिकायत तो मेरी का भी बहुत बड़ा कसूर है, यही शिकायत मेरा ताजिर सनअतकारों से भी है। देखें, आपने अभी एक बड़ी अहम बात की के लोग जो आते हैं, यकीन करें हमारा फोकस ये होता है कि जो अहदेदारान हों, चेंबर्स के लोग हों, फेडरेशन के लोग हों, उनको बुलाएं। अब वो बहुत दफ़ा मीडिया पर आते हैं, मैं खुल के आपसे बोल सकता हूँ ये बात, वो सब चंगा की रिपोर्ट देकर चले जाते हैं। अब आप बताएं, सब चंगा की रिपोर्ट उन्होंने दे दी तो हमारी क्या हैसियत रह गई। नहीं सर, मैं समझता हूँ देखिए सच सच होता है, हाँ, और सच बोलना चाहिए। अगर वो गलत बोल रहे हैं तो मैं कहता हूँ उनको वहीं पे टोकना चाहिए कि जी आप कैसे ये सही कह रहे हैं, हालात तो ये बता रहे हैं, हमें तो लोगों ने ये बताया, हमें तो ये नजर आ रहा है। तो जब ये किस्म की चीजें होती हैं तो उसके ऊपर क्या होता है आपको मालूम है। जो चीन की मदद से पाकिस्तान में मुख्तलिफ बिजली के कारखाने लगाए गए हैं उसके हवाले से या तो रीनिगोशिएट किया जाए चाइनीज कंपनीज के साथ के जो उनके साथ मुआहदे किए गए थे, या जो कर्जा लेकर के बिजली के पावर प्लांट्स लगाए गए थे उन कर्जों की जो अदायगी है वो मौखर कर दी जाए, तो उससे भी बिजली की कीमतों में कमी वाकई हो सकती है। तो जो दो चाइनीज इंजीनियर्स, अफसोसनाक खबर है, वो मारे गए हैं कराची के उस दहशतगर्दी के वाके में, ये वो लोग थे जो इस वक्त उस टीम में शामिल थे। सबसे अहम सवाल इसमें यही पैदा होता है कि आखिर जो इतना हाई प्रोफाइल ये डेलीगेशन था, जो उनकी मूवमेंट थी, कैसे पता लगा इन दहशतगर्दों को। ये बहुत अहम सवाल है, और एक तो है कि आम अगर चाइनीज शहरी जा रहे हों उनकी जाने भी ऑब्वियसली उतनी ही कीमतें हैं, लेकिन फिर भी आपके रैंडम किसी दहशतगर्द उन्होंने टारगेट दिया था कि जी आपने चाइनीज़ को बस टारगेट करना है, वो अलग बात थी। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि क्लियरली जो दहशतगर्द थे, जो दहशतगर्द तंजीमें थीं, उनको ना सिर्फ टारगेट का पता था बल्कि वो क्लियरली किसको टारगेट करना चाह रहे थे वो भी उनको पता था। क्योंकि अगर ये मुज़ाकरात, ज़ाहिर है कि अभी भी मुज़ाकरात तो होंगे, ये जो और लेकिन अब उसमें तातुल आएगा कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनको पता है कि अगर चीन पाकिस्तान को इस वक्त जो मुश्किल सूरत हाल है ख़ास करके पावर सेक्टर के अंदर एक रिलीफ देता है तो यकीनी तौर पर उससे पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बेहतर असर पड़ेगा, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिल सकता है। और ऐसे चाइनीज़ को टारगेट करने का मकसद ही यही है कि चीन को डिस्करेज किया जाए कि वो पाकिस्तान को किसी तरह का रिलीफ ना दें। ये अफसोसनाक खबर है, वैसे तो ये खबर अब आए दिन आती रहती है, कभी हम सुनते हैं केपीके में अटैक, कभी हम सुनते हैं बलोचिस्तान में अटैक, अब कराची के एयरपोर्ट के बाहर अटैक हो गया जिसमें दो तीन चाइनीज की जानें चली गई हैं, पाकिस्तानियों की जानें चली गई हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, बात हम फलस्तीन पे करते हैं कि वहाँ अटैक हो रहा है, अपने यहाँ पे जो अटैक हो रहा है इसको कैसे रोकें, और ये कौन कर रहा है, क्या कहेंगे। वजह ये है कि बेटा यहूदी जो है, अच्छा, वो स्ट्रांग है हमसे ज्यादा, ठीक है, जिससे उनके आपस में कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अच्छा, हम मुसलमानों ने सारी इन्वेस्टमेंट जो है अमेरिका में, बरतानिया में और दूसरे में किया हुआ है, ठीक है, आज ये वहाँ से अपने पैसा निकाल लेते हैं। अच्छा, तो ये यानी कि जैसे सारे गरीब हो जाएंगे, अच्छा, लेकिन मसला ये है, लेकिन एक मिनट यहीं पे मैं बात रोकता हूँ, ये तो टॉपिक से थोड़ी दूसरी साइड पे जा रही है, क्योंकि कराची में जो अटैक हुआ है वो किसी यहूदी ने किया है, लेकिन आप बोला पैसे निकाल लेंगे तो यहूदी गरीब हो जाएंगे, उनकी टेक्नोलॉजी यूज करना छोड़ देंगे तो हम फिर कहाँ के रहेंगे। टेक्नोलॉजी जो ईस्टर्न रशिया के पास है, जो ईरान के पास है, ईरान ने जो रशिया और चाइना से मिलकर मिसाइल बनाया है, ठीक है, वो उसको कैप्चर करना इसराइल और अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन ईरान ने भी अटैक किया था 4-5 दिन पहले, एक मिसाइल भी वहाँ पे निशाने पे नहीं लगा, सब निशाने पे लगे, कोई जान कोई नुकसान। इसराइल इसराइल अपना इस टेक्नोलॉजी में
वो आगे है। क्या वजह समझते हैं, ये तो आप इंटरनेशनल बात कर रहे हैं ना सारे नॉन मुस्लिम यहूदी और अपना दूसरे नंबर पे मुसलमानों की, पाकिस्तान में क्या वजह है, पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं, और अगर चाइना जैसे कंट्री के ऊपर या चाइना जैसे कंट्री के लोगों के ऊपर अटैक हो सकता है तो दूसरे कंट्रीज के जो लोग हैं वो तो यहाँ पे आने से वैसे ही डरेंगे। हमला हुआ है ना, इसकी जिम्मेदारी BLA ने एक्सेप्ट किया। उनको पैसे किसको मिलते हैं, कौन दे रहा है? यूरोप दे रहा है, BLA को भी, अमेरिका दे रहा है, इंडिया दे रहा है। अच्छा, इंडिया दे रहा है, इंडिया और अमेरिका हमें खरीद रहा है। एक मिनट थोड़ा सा इन्हें मौका दीजिएगा। अगर इनकी अंकल की बात मान लेते हैं, अंकल आपसे एक और सवाल करूंगा, अगर बात मान लेते हैं तो पैसे ले कौन रहा है? लेट्स बोल इंडिया ने पैसे दे दिए, अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसे दिए, दिए किसको है पैसे? आपको पता है, हमें पता है, सबको पता है, आजकल बच्चे को पता है, हर बच्चे को पता है। एक को जो है इंडिया पैसा दे रहे, एक को जो है हमारा फौज ने खरीदा हुआ है। अच्छा, हमारी रेड लाइन है सर, उसके मुताबिक बात मत करें सर। आप बात सुनो, वी आर द बिगेस्ट, वी आर द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड।